लाडली बहना योजना को लेकर अपनी पेट थपथपा रही सरकार को आखिर क्यों आशा उषा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों का दर्द दिखाई नहीं देता। स्थायीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर पिछले एक महीने से ज्यादा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से लेकर विधायक तक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में अपनी मांगों को रखा है, लेकिन दूर दूर तक अभी भी सुनवाई के कोई आसार नजर आते नहीं दिख रहे हैं। सिंगरौली जिले में ट्रामा सेंटर के सामने आशा उषा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों का धरना पिछले 35 दिनों से लगातार जारी है। स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ये धरने पर बैठी हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे पहले भी सिंगरौली कलेक्टर और देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश के ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक बार फिर ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री से जल्द इस संबंध में बात कर समाधान निकाला जाएगा। वहीं अस्पतालों में जब से आशा उषा कार्यकर्ताएं धरने पर गई हैं, तब से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को मानती है या फिर उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ता है। NHM के द्वारा बोला गया था 15,000 आशा पर्यवेक्षक को 10,000 आशाओं को, लेकिन आज तक हमारी सरकार नहीं दे रही है। हम लोग धरना प्रदर्शन 15 तारीख से कर रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन जो प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम अवगत कराऊंगा, और यदि मुलाकात होती है तो स्वयं भी बात करूंगा कि आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों 10,000 रुपये की मांग है, वो आपके ही जो लाडली बहना अपनी पहचान दे रहे हैं उसको और कुछ जोड़ जाड़ के इनको भी दीजिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।